दोस्तों बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर दो जरूरी अपडेट निकल कर आ रही हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं पहली अपडेट की तरफ। दोस्तों एक अपडेट लगाई गई है, बिहार स्वास्थ्य मंत्री के काफिले के आगे लेट गए नियोजित शिक्षक, समझाने के बाद हटे। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे एक बार फिर चर्चा में आ गए। इस बार मंत्री जी की गाड़ी के आगे शिक्षक लेट गए। यह वाकया उनके गृह जिले सीवान में हुआ। सीवान के रघुनाथपुर में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को नियोजित शिक्षकों ने न सिर्फ उन्हें घेर ही लिया बल्कि उनकी गाड़ी के आगे सैकड़ों की संख्या में लेट गए। दरअसल यह वाकया उस वक्त की है जब रघुनाथपुर में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के जन संवाद कार्यक्रम में रघुनाथपुर पहुंचे थे। जब कार्यक्रम समाप्त हुआ तो उन्हें शिक्षकों का आक्रोश झेलना पड़ा। हालांकि कुछ और स्थानीय बीजेपी नेता बीच बचाव में आए, शिक्षकों को जाया तब जाकर मंगल पांडे का रास्ता साफ हुआ। आपको बता दें कि नियोजित शिक्षक समान काम समान वेतन की मांग पर अड़े हुए हैं, यही कारण है कि आज स्वास्थ्य मंत्री और उनकी गाड़ी को घेर लिया गया। और दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है बिहार के पटना से। बिहार शिक्षकों को समान वेतन नहीं सैलरी बढ़ाने पर बात करने को सरकार राजी, शिक्षा मंत्री बोले सेवा शर्त पर भी हो सकती है वार्ता। समान काम समान वेतन सेवा शर्त सहित विभिन्न मांगों पर शिक्षक हड़ताल पर अड़े हुए हैं, तो सरकार भी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई पर अड़ गई है। विभिन्न जिलों में हड़ताली शिक्षकों पर कार्रवाई तेज कर दी गई है। हड़ताली शिक्षकों की बर्खास्तगी के साथ ही एफआईआर भी दर्ज की जा रही है। पटना में गुरुवार को 5 हड़ताली शिक्षकों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। सरकार ने हड़ताली शिक्षकों से दो टूक कह दिया है कि समान काम समान वेतन पर तो कोई बात भी नहीं होगी। नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली और वेतन वृद्धि पर बात करने के लिए दरवाजा खुला है। शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा ने बताया कि मैंने तो शिक्षकों से हड़ताल नहीं करने की लगातार अपील की। मैट्रिक की परीक्षा और इंटरमीडिएट की कॉपी मूल्यांकन के समय हड़ताल बिल्कुल उचित नहीं है। विभाग के अपर मुख्य सचिव आर के महाजन ने कहा कि समान काम समान वेतन मामले पर शिक्षक संघों की तो सुप्रीम कोर्ट में भी हार हो चुकी है। दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट है, सरकार ने साफ कह दिया है कि समान काम और समान वेतन पर वार्ता नहीं होगी। अगर शिक्षक चाहें तो सैलरी बढ़ाने को लेकर और सेवा शर्त को लेकर सरकार से वार्ता कर सकते हैं। दोस्तों अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है, क्या बिहार के नियोजित शिक्षकों को उनका हक मिल पाएगा या फिर नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में आके बताइए। और ये भी बताइए कि आप लोग बिहार के किस जिले से नियोजित शिक्षक हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में आके अपने जिले का नाम लिख दीजिए और आगे लिख दीजिए नियोजित शिक्षक, जिससे कि आगे मुझे न्यूज देने में मदद मिलेगी। वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपनी फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो के ठीक नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको दबाइए और दबाने के बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, आप उसको भी दबाइए ताकि इस तरह का हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।